वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। हम लोग मैं चाहता हूं कि स्पीकिंग के बहुत सारे इडियम्स फ्रेज कुछ फिक्स हैं जो डेली यूज में बहुत सारे काम आते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पास स्पीकिंग का ढेर सारा इडियम्स और फ्रेज हो। मैं चाहता हूं कि आपके पास स्पोकन के बहुत सारे वोकैब हो। मैं चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारे इडियम्स और फ्रेज हो जो डेली दिन भर प्रयोग होते हैं। आप बहुत सारे संदेश बोलना चाहते हो, बस कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ बोल नहीं पाते हो। तो हम लोग आज बहुत सारे इडियम्स फ्रेज को देखेंगे जिसमें आपका स्पोकन बिल्कुल टिप ऑफ द टंग हो और जैसे मर्जी वैसे अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं ढेर सारे सेंटेंसेस को। टायर्ड विथ का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना। टायर्ड विथ का मतलब होता है कोई काम करते करते थक जाना। तो पहला वर्ड क्या देखा आपने, टायर्ड विथ बिल्कुल थका होना। टायर्ड विथ जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टायर्ड विथ प्लस इसके साथ आप आई एन जी का प्रयोग करना। तो हमने क्या प्रयोग किया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टायर्ड विथ प्लस वी एन प्लस आई एन जी का प्रयोग करना। और आप इसको किसी भी स्ट्रक्चर में बोल सकते हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टायर्ड विथ है तो आपने बोला आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड विथ स्पीकिंग, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। यू आर टायर्ड विथ स्पीकिंग, तुम बोलो थक गए हो। ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग, वह बोलते बोलते थक गया है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग, क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो। आर यू टायर्ड विथ सिटिंग, क्या तुम बैठे बैठे थक गए हो। आर यू टायर्ड विथ वर्किंग, क्या तुम काम करते करते थक गए हो। आर यू टायर्ड विथ टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो। आर यू टायर्ड विथ वेटिंग, यानी काम इंतजार करते करते थक गए हो। तो टायर्ड विथ का मतलब हुआ बिल्कुल थक जाना। तो आप किसी भी वर्ड में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वो रोते रोते थक गया, खाते खाते थक गया, हाथे हाथे थक गया, जो काम करते करते थक गया वहाँ पे आप टायर्ड विथ का प्रयोग कर सकते हो। और डेली यूज में बहुत यूज होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्लॉप कर जाते हैं बोलने में, तो ये बोलना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार फिर से बोलेंगे क्या, आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग, आर यू टायर्ड विथ सिटिंग, आर यू टायर्ड विथ वर्किंग, आर यू टायर्ड विथ टीचिंग, आर यू टायर्ड विथ वेटिंग, है ना। तो चलते चलते आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, यू आर टायर्ड विथ वॉकिंग, ही इज टायर्ड विथ वॉकिंग। तो इस तरह सेंटेंस आप जितना मर्जी बोल सकते हो, बना सकते हो। अब देखते हैं अगला शब्द, डिसअपॉइंटेड विथ, निराश होना। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, निराश, हताश, परेशान। तो डिसअपॉइंटेड हो गया बिल्कुल ही। इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर। प्रेजेंट में बोलना है तो इज एम आर, पास्ट बोलना है तो वाज वेयर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डिसअपॉइंटेड विथ प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट। मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ, परेशान हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट। You are disappointed with your result. He is disappointed with his result. तो आप एक तरह के सेंटेंस को आप एक ले लें और हजार बनाएं। इससे होगा क्या कि आप आसानी से सेंटेंस को बोल पाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई ले लो, यू ले लो, ही ले लो, सी ले लो, दे ले लो, आप जितना मर्जी करे बोलो, है ना। जैसे मैं बोल दिखाता हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट, यू आर डिसअपॉइंटेड विथ योर रिजल्ट, ही इज डिसअपॉइंटेड विथ हिज रिजल्ट, दे आर डिसअपॉइंटेड विथ दियर रिजल्ट। तो देख पा रहे हो आप लोग, तो इस तरह से सेंटेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। एक वर्ड है डिसअपॉइंटेड विथ। अब एग्जाम्पल में इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या है क्वेश्चन भाई, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, क्या तुम अपने जीवन से हताश हो, निराश हो, परेशान हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर जॉब, क्या तुम अपने जॉब से डिसअपॉइंटेड हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर बिजनेस, क्या तुम अपने काम से हताश हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर बिजनेस, क्या तुम अपने बिजनेस से परेशान हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ, क्या तुम अपने शादी के जीवन से परेशान हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ, क्या अपने हेल्थ को लेकर के परेशान हो। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं फटाफट। अगला वर्ड है सराउंडेड विथ। सराउंडेड विथ का मतलब होता है से घिरा होना। सराउंडेड विथ से घिरा होना, सराउंड निकलाता है। स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सराउंडेड विथ प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सराउंडेड विथ प्लस अदर वर्ड। अब इसमें आप बोल सकते हो, आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है, उसका घर पेड़ों से घिरा हुआ है, इसका घर पेड़ों से घिरा हुआ है, तो योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज, योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज। तो क्या हुआ, आपका घर पेड़ों से घिरा हुआ है। अब इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज योर शॉप सराउंडेड विथ कार्स, क्या तुम्हारा दुकान
कार से घिरा हुआ है? इज योर शॉप सराउंडेड विथ कार्स? इज योर कंट्री सराउंडेड विथ आर्मी? आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स? क्या तुम प्रॉब्लम से घिरे हुए हो? आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स? आर यू सराउंडेड विथ पुलिस? आर यू सराउंडेड विथ पुलिस? क्या तुम पुलिस से घिरे हुए हो? आप हर चीज को बारीकी से सुनो, इस वीडियो को 10 बार देखो, 10 बार याद करो, तब ना याद होगा। इज योर होम सराउंडेड विथ हिल्स? क्या तुम्हारा घर पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इज योर होम सराउंडेड विथ हिल्स? क्लियर? अगला वर्ड क्या है बच्चे? मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है का बना होना। मेड ऑफ मतलब बना होना। स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेड ऑफ प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेड ऑफ प्लस अदर वर्ड। जैसे आप बोल सकते हो कि यह घर ईंटों का बना हुआ है, तुम्हारा घर ईंटों का बना हुआ है, उसका घर ईंटों का बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यह घर ईंटों का बना हुआ है। मैं एक बात करूं आपसे, जितना भी आपको मैं इडियम्स फ्रेज दे रहा हूं, इस इडियम्स फ्रेज को खूब बारीकी से आप देखें और देख करके कॉपी के निकाल कर अपने लिख लें और लिख करके उन सारे बच्चों को सिखाएं और एक वर्ड को लेकर के 1000 सेंटेंस आप बनाएं, तब न स्पोकन बोलने आएगा। ऐसे नहीं कि बस देख लिया हो गया, इसको लिख लो और लिखकर डेली यूज में प्रयोग करो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, तब याद होगा। जैसे यह मकान ईंटों का बना हुआ है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, योर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। अब क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड? क्या तुम्हारा अंगूठी सोने का बना हुआ है? इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड? इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड? देख लो सब लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड? इज योर पेन मेड ऑफ प्लास्टिक? इज योर पेन मेड ऑफ प्लास्टिक? इज योर चेयर मेड ऑफ आयरन? इज योर डोर मेड ऑफ एल्यूमिनियम? क्या तुम्हारा घर एल्यूमिनियम का बना हुआ है? क्या तुम्हारा दरवाजा एल्यूमिनियम का बना हुआ है? तो इज योर डोर मेड ऑफ एल्यूमिनियम? इस तरह से आप आराम से देख सकते हो। तो देखा आपने, ये सारे वो कैब्स ये डेली यूज में आने वाले हैं, तो डेली यूज के लिए इसके लिए तैयार रहें आप। और हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रखें कि आप किसी भी फ्रेजेस को लेकर के आप अपने मित्रों से दोस्तों से एक वर्ड ले लो और एक वर्ड लेकर के 1000 बार उसे बोलना है, सेंटेंस में यूज करना है। जब आप यूज करोगे तो ये सारे टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। जब टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे तो आपका स्पीकिंग धारा प्रवाह हो जाएगा, फ्लुएंट स्पीकिंग हो जाएगा और आप बेहतर कर पाओगे। आप कभी भी अपने आप को कम न समझें, हमेशा आप तैयार करें। मैं तरह तरह की डिप्स फ्रेज आपको देता रहूंगा और करवाता रहूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।